लेबनान में लगातार दूसरे दिन सीरियल धमाके हुए हैं। 17 सितंबर को हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर सीरियल पेजर ब्लास्ट किए गए थे और अब इसके एक दिन बाद बेरूत के नज़दीक फिर से धमाके हुए हैं। हिजबुल्लाह के गढ़ कहे जाने वाले दक्षिणी बेरूत में 4 लोगों की अंतिम यात्रा के दौरान भी धमाके हुए। इन धमाकों में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है जबकि 100 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये धमाके वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेज में हुए हैं। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक अब जिन कम्युनिकेशन डिवाइसेज में विस्फोट हुआ है वे हाथ में पकड़े जाने वाले रेडियो हैं। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने पेजर्स की तरह ही ये डिवाइस भी करीब 5 महीने पहले खरीदे थे। शीर्ष हिजबुल्लाह अधिकारी हाशिम सफीदुद्दीन ने धमाकों को लेकर कहा कि संगठन बुरे समय का सामना कर रहा है लेकिन इसका बदला लिया जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक ये वायरलेस रेडियो सेट हिजबुल्लाह के लड़ाके इस्तेमाल कर रहे थे। देश के दक्षिणी हिस्से और राजधानी बेरूत के दक्षिणी शहरों में ये कम्युनिकेशन सेट फटे हैं। एक धमाका उस जगह भी हुआ जहां हिजबुल्लाह की तरफ से पेजर ब्लास्ट में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। लेबनान में ये धमाके इसराइल पर हिजबुल्लाह के हमले के ठीक बाद हुआ है। दरअसल मंगलवार को लेबनान में हुए सीरियल पेजर विस्फोट के बाद बुधवार को हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने इसराइल की उत्तरी सीमा पर हमले किए हैं। ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें इसराइल की उत्तरी इलाके से धुआं उठते दिखता है। बता दें कि मंगलवार को लेबनान और सीरिया में एक साथ कई शहरों में पेजर ब्लास्ट हुआ था। सैकड़ों पेजर करीब घंटे भर के अंतराल में फट गए। इसमें 12 लोग मारे गए और करीब 3,000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इस पेजर हमले के बाद हिजबुल्लाह ने इसराइल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि साजिश के पीछे उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद है। हिजबुल्लाह ने बदला लेने की धमकी दी। इधर हिजबुल्लाह की धमकी को देखते हुए इसराइल अलर्ट हो गया है। इसराइल ने लेबनान से सटे बॉर्डर पर 20,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक हरजोग ने बुधवार सुबह सुरक्षा ब्रीफिंग के लिए मुलाकात की। इसके अलावा इसराइली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हरजी हलेवी ने भी वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के साथ बैठक की। उन्होंने जल्द से जल्द आक्रमण और रक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। नागरिकों को सतर्क और सजग रहने के लिए कहा गया है। हालांकि इजरायली सेना ने लेबनान में पेजर विस्फोटों के बारे में सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। इजरायल ने गाजा पट्टी में महीनों तक चले ऑपरेशन के बाद अब IDF के 98 डिवीजन को उत्तरी इजरायल में तैनात करने का फैसला किया है। ये फैसला हिजबुल्लाह के साथ बढ़ते तनाव के बीच लिया गया है।